हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं इधर रिडक्शन के बारे में। ये अपना 11th पार्ट है। अपन ने अभी तक 10th पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं और जो लास्ट पार्ट का लिंक है मैं आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ इसमें क्या क्या मोस्टली हम पढ़ने वाले हैं। पहली चीज, हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब भी वर्ब का यूज सेंटेंस के एंड में किया जाता है तो उसको हम किस प्रकार यूज कर सकते हैं। सेकेंड चीज, इसमें हम फ्रेज के एरर के बारे में जानेंगे। थर्ड चीज, इसमें हम मोर के साथ जो पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है वो किस कंडीशन में किया जाता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि मैं हूँ तुषार गर्ग एंड आप देख रहे अपना चैनल वी आर। क्वेश्चन नंबर 301, सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर बनती है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। क्यों बनती है? क्योंकि यहाँ पर सपोजिंग इफ के साथ ये जो दोनों का यूज किया गया है वो इस ऊपर पहले से बन जाता है, हम दोनों को एक साथ यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम सपोजिंग इफ का ना यूज कर दो या तो केवल सपोजिंग डेट का यूज करेंगे या फिर ओनली इफ का यूज करेंगे जो यहाँ पर करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैच। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो अलोंग विद है उसके साथ दो सब्जेक्ट का यूज किया गया है, पहला तो है द कैप्टन एंड सेकेंड है हिज टीम। सो इसमें जब भी अलोंग विद के साथ दो सब्जेक्ट का यूज किया जाता है तो हमेशा जो वर्ब यूज की जाती है वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, और यहाँ पे जो फर्स्ट सब्जेक्ट यूज किया गया है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आर दिया हुआ वो एक प्लुरल वर्ब है इसलिए हम यहाँ पर आर का यूज न करते हुए इसका यूज करेंगे और अपनी एरर बन जाएगी ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इट के साथ जो वर्ब का यूज किया गया वो एक सिंगुलर वर्ब है, लेकिन जब भी हम इसके साथ जो हम प्रोनाउन का यूज करते हैं वो हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, लेकिन यहाँ पर जो हिम लिखा हुआ है वो एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म है इसलिए हम यहाँ पर हिम का यूज ना करते हुए ही का यूज करेंगे, क्योंकि ही एक सब्जेक्टिव फॉर्म है और यहाँ पर हमें सब्जेक्टिव फॉर्म की जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटेड 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर, क्योंकि इस सिचुएटेड नो करता है कि ये पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, लेकिन जो कैपिटल है यमन की वो ऑलरेडी सिचुएशन हो चुकी है या फिर हो गई है, जो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आएगा और वो एक पैसिव फॉर्म के अंदर बनेगा, इसलिए हम यहाँ पर इस सिचुएटेड का यूज ना करते हुए इस सिचुएटेड का यूज करेंगे जो कि एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और पैसिव फॉर्म के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राम वाज सीनियर टू श्याम इन कॉलेज। इस क्वेश्चन के अंदर अपने कोई एरर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ पर सीनियर के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, वो एक अब करेक्ट है, और जो राम है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ जो वर्ब यूज की गई वो भी सिंगुलर है, वो भी एकदम करेक्ट है, यहाँ पर किसी भी चीज की एरर नहीं थी इसलिए हमने आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 4 लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट अटेस्ट बाय द डायरेक्टर। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर बनती है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। क्यों बनती है? क्योंकि यहाँ पर जो अटेस्ट लिखा हुआ है वो एक वर्ब है, और लेकिन यहाँ पर हमको ये वर्ब की जरूरत नहीं थी, हमें यहाँ पर एक पास्ट पार्टिसिपल की जरूरत थी इसलिए हम यहाँ पर अटेस्टेड का यूज करेंगे ना कि अटेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रवि टोल्ड हिज टू हिज फ्रेंड टू वॉय ए कार। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर बनती है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर, क्योंकि जब भी हम टोल्ड की बात करते हैं और इसके साथ जब भी दो पर्सन का यूज किया जाता है तो टोल्ड के साथ कभी भी टू प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर टोल्ड टू का ना यूज करते हुए केवल टोल्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर इफ आई वर यू। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी कोई एरर नहीं है, क्योंकि देखिए ये एक कंडीशनल सेंटेंस है और जब भी इफ के साथ सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है तो नेक्स्ट सेंटेंस में हमेशा वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, जो कि हमें इसमें हमेशा सही दिख रही है, तो हम इसमें कोई एरर नहीं मानते हुए हम ऑप्शन नंबर 4 लगा देंगे जो कि एक नो एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम मोर लोनियर हेयर देन आई वॉज इन यूएसए। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर बनती है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मोर के साथ लोनियर का यूज किया गया है वो एक डबल कंपेरेटिव डिग्री बन जाता है। कैसे बन जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो मोर लिखा हुआ है वो भी एक कंपेरेटिव डिग्री है और जो लोनियर लिखा हुआ है वो भी कंपेरेटिव डिग्री है, यहाँ पर दो कंपेरेटिव डिग्री का यूज एक साथ किया गया है जो कि रॉन्ग है, इसलिए हम यहाँ पर मोर लोनियर का यूज ना करते हुए या तो फिर मोर लोनली का यूज करेंगे या फिर लोनियर का यूज करेंगे, इन दोनों में से किसी एक चीज का यूज यहाँ पर किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मे आई नो टू हू आई एम स्पीकिंग. इस क्वेश्चन का अर्थ है क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किससे बात कर रहे थे. मतलब यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की जरूरत है, इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो हु यूज किया गया है वो एक सब्जेक्ट को डिनोट करता है, लेकिन जो होम है वो एक ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है, और हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की जरूरत थी. और वैसे भी आप देखेंगे कि जब भी हम टू के साथ किसी भी चीज का यूज करते हैं तो हमेशा एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आती है, और इसलिए हम यहाँ पर होम का यूज करेंगे ना कि हु का, इसलिए हम यहाँ पर हु को हटा देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल. इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर बनती है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर. क्यों बनती है? क्योंकि जब भी हम सिंस टाइम्स इमेमोरियल्स लिखते हैं तो इसमें टाइम्स नहीं लिखते हुए केवल टाइम लिखा जाता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली. इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर बनती है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर. क्यों बनती है? क्योंकि जब भी हम बिफोर की बात करते हैं और उसके साथ दो सेंटेंस जुड़े हुए होते हैं तो जो पहला वाला सेंटेंस है बिफोर के साथ जो आता है वो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस के अंदर आता है, और जो नेक्स्ट सेंटेंस होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है. लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहाँ पर विल के साथ रीच का यूज किया गया है जो कि एक सिंपल फ्यूचर टेंस है, लेकिन हमें यहाँ पर विल रीच का यूज ना करते हुए हमें एक पास्ट परफेक्ट टेंस चाहिए था, इसलिए हम यहाँ पर हैड रीच का यूज करेंगे जो कि एक पास्ट परफेक्ट टेंस बनाता है. और वैसे भी यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि बिफोर के साथ जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है तो नेक्स्ट सेंटेंस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी स्टे फॉर ए शॉर्ट टाइम इन द होटल. इस क्वेश्चन के अंदर अपनी हेयर है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर. क्यों है? देखिए, क्योंकि हम स्टे किए थे कुछ टाइम के लिए एक होटल के अंदर. यहाँ पर जो होटल है उसके बारे में सेंटेंस से पहले कहीं नहीं बताया गया है, इसलिए मतलब है कि एक जो होटल है वो एक इनडेफिनेट है, और जो आर्टिकल द है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है, इसलिए हम यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का ना यूज करते हुए हम एक इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे जो कि ए के रूप में यहाँ पर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड टू ब्रिंग साइकिल्स इनटू द कॉलेज. इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर बनती है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर. क्यों बनती है? देखिए, जब भी हम प्रोहिबिटेड का यूज करते हैं तो उसके साथ हमेशा फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, और इसके लिए हम बताते हैं कि जब भी फ्रॉम का यूज करते हैं तो उसके साथ हमेशा हम जीरेंड का यूज करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर टू विंग का यूज ना करते हुए हम फ्रॉम विंग का यूज करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनलेस यू आर केयरफुल यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक इन योर वर्क. इस क्वेश्चन के अंदर अपनी रह ऑप्शन नंबर 2 के अंदर. क्यों है? देखिए, क्योंकि इसमें जो मेक मिस्टेक लिखा हुआ है वो एक रॉन्ग फ्रेसेस है, कभी भी मेक मिस्टेक नहीं होता. इसका मतलब होता है कि मेक ए मिस्टेक या फिर मेक मिस्टेक, इन दोनों से किसी एक चीज का यूज किया जाएगा. मेक मिस्टेक का यूज करना गलत है, ये एक रॉन्ग फ्रेज माना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यू टू दी हैवी रेन्स दी शिप रोल्ड इन द मिडिल ऑफ द ओशियन. इस क्वेश्चन के अंदर अपनी रह ऑप्शन नंबर 2 के अंदर. क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो डी शिप के साथ ड्रोन लिखा हुआ है वो रॉन्ग है. क्यों है? क्योंकि जो डी शिप है वो एक नॉन लिमिट थिंग है, और जब भी हम नॉन लिमिट थिंग का यूज डूबने के लिए यूज करते हैं तो उसके साथ ड्रोन का यूज ना करते हुए सैंक का यूज किया जाता है, और ड्रोन का यूज हमेशा लिमिट थिंग के साथ किया जाता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डिसोनेट. इस क्वेश्चन के अंदर अपनी रह ऑप्शन नंबर 1 के अंदर. क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो डेथ है वो स्पेसिफिक है, क्योंकि वो उसके बेटे की डेथ की बात कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर डेथ के साथ आर्टिकल द का यूज करेंगे. आप यहाँ पर देखेंगे कि डेथ लाइफ और टाइम के साथ जनरली आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन हम स्पेशल कंडीशन में इसका यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही फेल हैवीली एंड दिस कॉज्ड हिम ग्रेट पेन. इस क्वेश्चन के अंदर अपनी रह ऑप्शन नंबर 3 के अंदर. क्यों है? क्योंकि ग्रेट पेन का यूज करना गलत है, ये एक रॉन्ग फ्रेज है, इसकी जगह पर हम एक ग्रेट पेन का यूज करते हैं जो कि एकदम राइट फ्रेज माना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ दिस बैग ही वाज राइटिंग ए न्यू बुक. इस क्वेश्चन के अंदर अपनी रह ऑप्शन नंबर 2 के अंदर. क्यों है? क्योंकि जब भी हम कपल ऑफ की बात करते हैं तो उसके साथ आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता, इसके साथ हमेशा आर्टिकल ए का यूज किया जाता है, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हिज ओल्ड एज ए पर्सन लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाय डे. इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर बनती है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर. क्यों बनती है? क्योंकि इसके अंदर जो मोर के साथ वीक का यूज किया गया है वो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन है
वो दिन बर दिन बीक से बीक हो जा रहा है, मतलब कि पहले इतना बीक था, फिर इतना बीक हो गया, फिर इतना ज्यादा बीक हो गया, मतलब वो एक अवस्था से दूसरे अवस्था की बात कर रहा है। इसलिए हम यहाँ पर मोर बीक का यूज ना करते हुए ओनली बीक का यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जब हम भी हम मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं तो वो हमेशा कब यूज किया जाता है, जब एक पर्सन की दो क्वालिटीज का कंपेयर किया जाए उसके लिए हम हमेशा मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी रह रहा ऑप्शन नंबर 2 के अंदर क्यों है, क्योंकि मैं इसको पहले ही बता सकता हूँ गया हूँ। अब मैं बता रहा हूँ कि इसके साथ डू मिस्टेक नहीं होता, हमेशा मेक ए मिस्टेक होता है, इसलिए हमेशा हम मेकिंग का यूज करेंगे, क्योंकि मेक ए मिस्टेक एक राइट फ्रेज है, ना कि डू ए मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही हैज ए लार्ज फैमिली टू केयर। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी रह रहा ऑप्शन नंबर 3 के अंदर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो टू के साथ जो वर्ब का यूज किया गया है वो एक सेंटेंस के एंड में किया गया है। जब भी हम किसी वर्ब का यूज एंड में करते हैं तो उसके साथ हमेशा एक प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर टू केयर का यूज ना करते हुए टू केयर फॉर या फिर टू टेक केयर ऑफ का यूज करेंगे, जो कि यहाँ पर एक करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस पॉइजनस गैसेस विल अफेक्ट आवर हेल्थ। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी रहेगा ऑप्शन नंबर 2 के अंदर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो अफेक्ट लिखा हुआ है वो एक नाउन है, लेकिन हमें बिल के साथ एक वर्ब की जरूरत थी, इसलिए हम यहाँ पर अफेक्ट का यूज करेंगे ना कि इफेक्ट का, इसलिए हम यहाँ पर इफेक्ट की जगह पर अफेक्ट यूज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली इंडियंस टू विन द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर वाज रविंद्रनाथ टैगोर। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी रर बनती है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर क्यों बनती है, देखिए क्योंकि यहाँ पे जो लिटरेचर का यूज किया गया ऐसे सब्जेक्ट यूज किया गया है, और जब भी हम किसी भी चीज का यूज ऐसे सब्जेक्ट करते हैं तो उसके साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल डा का यूज ना करते हुए केवल ओनली लिटरेचर का यूज करेंगे, जो कि एक सही रहेगा। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है कि जब भी हम नेम ऑफ सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर हिज इलनेस द पेशेंट वाज सिक विद लाइफ। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी रर बनती है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर क्यों बनती है, जब भी हम सिक की बात करते हैं तो उसके साथ कभी भी विथ प्रपोजिशन का यूज नहीं किया जाता, इसके साथ हमेशा ऑफ प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। और सिक ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज से परेशान हो जाना, एंड का मतलब होता है परेशान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई टोल्ड हिम दैट आई विल दी अपॉर्चुनिटी। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि अपनी रर बनती है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर क्यों बनती है, क्योंकि जब भी अवेलेबल का यूज हमेशा वर्ब के रूप में किया जाए तो वो हमेशा एक ट्रांसलेटिव फॉर्म में यूज किया जाता है, और जब भी अवेलेबल का यूज ट्रांसलेटिव फॉर्म में किया जाए तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। लेकिन आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि अवेलेबल के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज यहाँ पर नहीं किया गया है, और दूसरी बात कि अवेलेबल के साथ हमेशा ऑफ प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर अवेलेबल का यूज ना करते हुए अवेलेबल माइसेल्फ ऑफ का यूज करेंगे, जो कि एकदम यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई थिंक ही ऑन्स एन एक्सपेंसिव पेंटिंग बाय हुसैन। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी कोई रत नहीं है, देखिए आई के साथ यहाँ पर थिंक का यूज किया गया है, जो कि एक प्लूरल वर्ब है, और आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ही के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, जो कि एकदम सही है, और एन आर्टिकल का यूज करना सही है, यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो एक्सपेंसिव है एक वोवल साउंड दे रहा है, और पेंटिंग बाय हुसैन जो पेंटिंग बनी थी वो हुसैन के द्वारा बनाई गई थी, इसमें यहाँ पर कोई एरर नहीं है, इसलिए अपने अपना आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर ऑप्शन नंबर 2 के अंदर क्यों है, क्योंकि जब भी हम इट इज टाइम से किसी भी सेंटेंस का स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर शुड हैव डन का ना यूज करते हुए केवल हम यहाँ पर डिड का यूज करेंगे, जो कि एक वर्ब की सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही विल कम बैक। जब भी हम व्हेन का यूज दो सेंटेंस के साथ करते हैं तो उसमें जो व्हेन के साथ सेंटेंस आता है वो हमेशा एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आता है, और दूसरा वाला सेंटेंस वो प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर आता है, और इसमें जो सेंटेंस में व्हेन के साथ जो सेंटेंस दिया हुआ है वो एक फ्यूचर में दिया हुआ है, जो कि रॉन्ग है, हमको यहाँ पर एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जरूरत थी, इसलिए हम यहाँ पर विल कम का यूज ना करते हुए ओनली कम्स का यूज करेंगे, जो कि बल्कि फर्स्ट फॉर्म है और हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जरूरत था।
Next question is, a large sign near the entrance warns the visitors to beware about the bears. इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर. क्यों है? क्योंकि जब भी हम बीवेयर का यूज करते हैं तो उसके साथ अबाउट प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता, उसके साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है. इसलिए हम यहां पर ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे. इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा. इस वीडियो के अपने 30 जो क्वेश्चन थे एरर डिटेक्शन के वो कंप्लीट हो चुके हैं, और जो 5 क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं वो आपको करने हैं. इनके आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, और जो आप इनके आंसर हैं वो मुझको आप टेलीग्राम पे या फिर नीचे कमेंट में दे सकते हैं, मैं उसको देख लूंगा अच्छे से. इसी के साथ ही अपनी वीडियो कंप्लीट होती है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय. थैंक यू.